कृष्ण स्नेह किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे शेजवान इडली। ये इडली बहुत ही झटपट 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। स्वाद में भी ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलो रेसिपी देखते हैं। शेजवान इडली बनाने के लिए मैंने इडली ली है। आप बची हुई इडली से भी शेजवान इडली बना सकते हो। इडली के हम लंबे लंबे काप करके लेते हैं इस तरह। सारी इडली हम ऐसे ही कट कर देते हैं। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 1.5 चम्मच तेल गरम करके लिया है। तेल में 1 छोटा चम्मच राई डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। राई जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। करी पत्ते के पत्ते डाल देते हैं, उसे थोड़ा भून लेते हैं। हमने शेजवान चटनी ली है, अब इसमें से 1 चम्मच भर के शेजवान चटनी हम तड़के में डाल देते हैं। तीखे का प्रमाण आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और तेल में लाल मिर्ची पाउडर और शेजवान चटनी को थोड़ा भून लेते हैं इस तरह से। अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं कटी हुई इडली, और तड़के में इडली को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इडली के ऊपर तड़के का अच्छे से कोटिंग जब तक नहीं आता तब तक हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हो इडली के ऊपर तड़के का अच्छे से कोटिंग आ गया है। पूरे इडली को तड़का अच्छे से लग चुका है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। गैस की फ्लेम हम धीमी कर लेते हैं और धीमी आंच पे इसे 1 मिनट पकने देते हैं। इससे तड़के का फ्लेवर इडली में अच्छे से आएगा। 1 मिनट के बाद ढक्कन निकाल देते हैं। 1 मिनट इसे ऐसे ही चलाते हैं। आप देख सकते हो तड़का अच्छे से इडली में मिल घुल गया है। 1 मिनट हो गया है, अब गैस बंद कर लेते हैं। शेजवान तड़का इडली को एक डिश में सर्व कर लेते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हो। खाने के लिए तैयार है हमारी शेजवान तड़का इडली। ये टोमेटो केचप के साथ बहुत स्वादिष्ट और चटपटी लगती है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप इस तरीके से एक बार शेजवान तड़का इडली बनाकर ज़रूर देखना। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहुत ही झटपट 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप भूलना मत। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।